फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मान स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मान होम हेल्थ केयर पे। यहां मैं आपको हेल्थ और होम्योपैथी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे हम होम्योपैथी को एज एनर्जी मेडिसिन यूज़ करके किसी भी प्रकार के रोग को जड़ से हम मुक्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप भी अपनी स्किन एलर्जी को कैसे ट्रीट कर सकते हैं फेगोपायरम मेडिसिन का इस्तेमाल करके। अगर आपको भी स्किन एलर्जी के लक्षण हैं तो आपकी एलर्जी भी फेगोपायरम से ठीक हो सकती है, बट कौन सी एलर्जी के लिए ये मेडिसिन इफेक्टिव होगी ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वन केस ऑफ स्किन एलर्जी कि कैसे मैंने पेशेंट की एलर्जी को मात्र एक दिन में ठीक किया और रोग को जड़ से मिटाकर पेशेंट का मैंने इलाज किया। पेशेंट एंटी एलर्जी मेडिसिन सिट्राजीन की टेबलेट और एंटी एलर्जी इंजेक्शन तक लगा चुका था, पर वो उसको कोई भी बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिल पा रहा था। दोस्तों, 24 अक्टूबर को ये पेशेंट को मेरे पास लाया गया। पेशेंट के हाथ और पांव पे बहुत ही सीवियर इचिंग हो रही थी। एक मिनट के लिए भी वो चैन से बैठ नहीं पा रहा था, इतनी खुजली हो रही थी। मैंने उसके हाथ और पांव को चेक किया, वहाँ पे कोई भी वेसिकल वगैरह कुछ नहीं था, बट खुजली कंटिन्यूज हो रही थी, कंटिन्यूज खुजले जा रहा था। पेशेंट इतना परेशान था, उसको रात को नींद तक नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी चैन से सो नहीं रहा था। इस पेशेंट को मेरे पास आने से पहले स्किन स्पेशलिस्ट को भी दिखाया था, जिसने इसको पहले एंटी एलर्जिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट किया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर इसने जब दोबारा उसी डॉक्टर के पास गया, फिर उसने इसको एक एंटी एलर्जिक इंजेक्शन तक दिया, पर खुजली वैसे की तैसी, जरा सा भी आराम नहीं मिला। पेशेंट ने मेरे को बताया कि जब तक वो अपने हैंड और फीट को, हाथ और पांव को ठंडे कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में रखती है, उतनी देर उसे काफ़ी रिलीफ मिलता है, काफ़ी हद तक, इतना मेडिसिन से भी नहीं मिलता। तभी मैंने कहा, बस समझो आज के बाद आपकी खुजली नहीं होगी, क्योंकि मुझे वो सब लक्षण मिल गए थे जो मुझे ट्रीटमेंट के लिए चाहिए थे। तभी मैंने इस पेशेंट को फेगोपायरम 30 होम्योपैथी एनर्जी मेडिसिन दी और एक दिन के बाद फ़ोन करने को बोला। पेशेंट, डॉक्टर साहब, मैं तो आपकी एनर्जी मेडिसिन बिल्कुल 100% ठीक हो गई हूँ, होम्योपैथी इतना क्विक रिजल्ट देती है, मैंने तो कभी ये सपने में नहीं सोचा था। बहुत ही हैरान परेशान थी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फेगोपायरम कौन सी स्किन एलर्जी को ठीक कर सकती है। अगर आप में ये लक्षण हैं तो पहला लक्षण, इचिंग विदाउट एनी रेडनेस, कंटिन्यू इचिंग हो रही है पेशेंट को कहीं भी स्किन पे, पर कोई रेडनेस बिल्कुल नहीं है। दूसरा, इचिंग विदाउट इरप्शन, इचिंग कंटिन्यूज हो रही है बॉडी पे, पर कोई इस पे इरप्शन कोई नहीं है। और तीसरा, इचिंग एमिलियोरेटेड बाय कोल्ड वाटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक पेशेंट जहां पे इचिंग हो रही है वहां पे कोल्ड वाटर लगा रहा है, उसको आराम मिल रहा है। इचिंग स्पेशली ऑफ हेयरी पार्ट्स, स्काल्प, मार्जिन ऑफ आईलिड्स, आर्म एंड लेग्स, एंड अदर वन इज इचिंग विच इज एग्रावेटेड, मतलब कंप्लेंट का बढ़ना, 4 to 8 PM, सिमिलर टू लाइको, इचिंग वर्स टुवर्ड इवनिंग। सो दोस्तों, अगर आपको भी स्किन एलर्जी के ये लक्षण आप में भी मौजूद हैं तो आप भी अपनी स्किन एलर्जी को इस फेगोपायरम मेडिसिन से यूज करके बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।